लोग आ चुके हैं फेमस राम मंडा कचौड़ी गली में, कचौड़ियाँ खाने और स्वाद लेने। तो हे गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज एक नया ब्लॉग की फिर से हो चुकी है शुरुआत। तो आज हम लोग जा रहे हैं कचौड़ी गली और यहाँ का फेमस अलैयो ट्राई करने। देखते हैं क्या मिलता है क्या नहीं मिलता है। वैसे हम लोग चल रहे हैं एक्सप्लोर करने सुबह सुबह, आज बहुत दिन बाद इतना सुबह उठे भी हैं। तो अभी 8 बज रहा है तो हम फ्रेश होके तैयार होके अब चल रहे हैं, निकल रहे हैं वहाँ के लिए। चलते रास्ते में और नई नई चीज़ें आज एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी दिखाते हैं। तो मंगा चुके हैं कन्हैया चाचा की सुबह की पहली चाय पीने। ये कन्हैया भी और इनकी सुबह की चाय पहले पियेंगे। और एक सुबह की हमारी पहली चाय, तो पीछे है अपना गप्पू भाई। काम करवाना है बहुत। तो हम लोग पहुंच चुके हैं चर्च के पास, विश्वनाथ मंदिर के पास। चलते हैं आगे, काफ़ी भीड़ है यहाँ, चलते हैं आगे। और हम लोग पहुंच चुके हैं काशी विश्वनाथ मंदिर। इसके जस्ट आगे पड़ती है चौड़ी गली। तो अब चलेंगे आगे, बाबा के दर्शन कर लीजिए तब तक आप। तो यहाँ से शुरू होता है हमारा वो कचौड़ी गली का सफ़र। गलियाँ यहाँ शुरू हो गई हैं, चलते जाना है, चलते जाना है अंदर ही अंदर। चौराहे पे हमने गाड़ी खड़ी कर दी पुलिस स्टेशन सामने, चलते कचौड़ी गली साइड। गब्बर भाई हम लोग लेके चल रहे हैं आगे आगे। आओ भाई खिलाते हैं, आओ भाई तुमको भी खिलाते। कचौड़ी गली काफ़ी अंदर है, काफ़ी अंदर है। चलते जाओ चलते जाओ, गलियाँ ख़त्म नहीं हो रही है। तो हम चलते जा रहे हैं अंदर ही अंदर, लगभग 300-400 मीटर अंदर आ चुके हैं हम लोग और अभी भी बहुत आगे जाना है। चलते हैं और अंदर, देखते हैं राम मंडार कहाँ है कचौड़ी गली का जो सबसे फेमस है, और वहीं खाएंगे आज। हम लोग आ चुके हैं फेमस राम मंडार कचौड़ी गली में, कचौड़ियाँ खाने और स्वाद लेने। यहाँ पे बन रही है गर्मा गर्म जलेबी कचौड़ियाँ, देखिए अंदर चलते हैं टेस्ट करते हैं और खाते हैं। अभी छन रही है करारी जलेबियाँ और अंदर देख लीजिए, यही है पूरा लोकेशन और यहाँ नंबर सब कुछ मिलता है। तो चलिए हम भी ऑर्डर डालते हैं और खाते पीते हैं, थोड़ा वेट करना पड़ेगा खाने के लिए, वेट करते हैं। तो यहाँ पे ऑर्डर लाने के लिए बहुत देर से खड़े हैं, नंबर बहुत देर है यहाँ, बहुत देर नहीं दे रहे, भेज दे रहे, लाइन में खड़े हैं बहुत देर से। अब देख सकते कितना रश है, कितनी भीड़ है। और ऑर्डर हो चुका है हमारा, 88 है, वेट करते अपने ऑर्डर के लिए। तो ऑर्डर हो चुका है हमारा भाई, कितने का था? 50 रुपये प्लेट, और हमने 2 प्लेट ऑर्डर कर लिया है। अब वेट करते हैं अपने ऑर्डर के लिए, भीड़ बहुत ज़्यादा जाता है आप देख ही सकते हो, तो वेट करते हैं अभी। काउंटर क्लोज हो चुका है, लोगों को अब खाने को नहीं मिलेगा और लोग बहुत दूर दूर से आके यहाँ खड़े हैं और हमारा नंबर लग चुका है। तो हम वेट करेंगे, स्टिल वी आर वेटिंग। ये चाचा बहुत दूर के आए बेचारे, उनको नहीं मिलेगा, तो कोई बात नहीं। ऑर्डर हम लोग का प्रिपेयर हो गया है, गब्बर भाई ले लिया ऑर्डर, अंदर देखिए दिख रहा है, अब तो भी खाएंगे फिर। ये अंदर हम लोग ऑर्डर कचौड़ी यानी सब्जी, अब वेट करते हैं खाते हैं, इसको टेस्ट करके तब बताते हैं कैसा स्वाद है यहाँ का कचौड़ी गली और क्यों फेमस इतना ये। हाँ तो हम लोग जा रहे हैं टेस्ट करने अपनी कचौड़ी पूरी और खाते हैं फिर बताते हैं कैसा है। पर अभी रखने की जगह नहीं मिले, क्या रखते हैं क्या खाना, टेस्ट करते हैं पहले। टेस्ट है काफ़ी बढ़िया है, काटे हैं फिर मिलते हैं आपको वीडियो पर। ये रेट तो हम लोग चल रहे हैं आगे, कचौड़ी उचौड़ी खा चुके हैं और 11 बजे तक वहाँ पे कचौड़ी बंद भी हो जाती है। आपको जब भी जाना है सुबह आए, रेट बहुत सही है यहाँ आगे, तो आप लोग थोड़े पैसे में भी बहुत ज़्यादा खा सकते हैं। पर 50 रुपये में 2 कचौड़ी मिली जाती है, हैवी होती है बहुत, 2 में ही पेट भर जाएगा आपका। चलिए चलते हैं आगे, बात है पहले कचौड़ी खाएँगे फिर खाएँगे मलैयो, अब चलेंगे खाने मलैयो। और बाइक से भी आप यहाँ तक आ सकते हैं, हम लोग तो बाइक रोड पे छोड़ दिए हैं काफ़ी दूर, तो आप बाइक से भी आ ही सकते हैं,
आज के दिन आ सकते हैं, वरना सैटरडे संडे वैसे ही बहुत भीड़ रहती है यहाँ पे। चलिए आगे चलते हैं और अंदर गलियों में करते हैं आज कुछ नया और एक्सप्लोर। इतने अंदर इतने बड़े बड़े टेम्पल हैं। गब्बर कहाँ जा रहे हो? मलैयू खाई भी? चल भाई मलैयू को। तो हम लोग पहुँच चुके हैं, सामने है मलैयू शॉप फेमस। तीन चार घंटे तक की कोई दिक्कत नहीं। हमने अपने मलाई ऑर्डर कर दिया है 3। वेट करते हैं ये मलाई होगा। हाँ बोलिए। हमारा मलाई तैयार हो रहा है। ये बहुत टेस्टी है। गबर में कैसा है मलाई हो? बहुत बढ़िया है, बहुत टेस्टी मलाई। आप भी आए ट्राई करें जरूर। गली में अंदर है, श्री जी शॉप है ये भी। मस्त मलाई हम लोग खा चुके हैं। मलाई खाने के बाद आज यहाँ से दूध भी ले सकते हैं। 85 रुपये का मलाई हल्का है, खा लेंगे। ज़्यादा भारी भी नहीं है, पेट में ज़्यादा भारी भी नहीं फील होगा। बस अब चलते हैं वापस। चल रहा है, सुबह से वैसे भी खा चुके, घूम चुके। तो खा पी के सुबह सुबह हम लोग हो चुके हैं टाइट। कचौड़ी और मलाइयो। चल रहे हैं गलियों से बाहर, लेंगे अपनी गाड़ी, फिर चलेंगे रूम की तरफ। अब ब्लॉग को यहीं पे करता हूँ मैं एंड। अब मिलते हैं आपको अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।